नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अक्षय गौड़ एनटीपीसी मैराथन क्लासेस के मैथमेटिक्स के 21वें सेशन में तहे दिल से जितने भी लोग लाइव हैं उनका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लगातार यानी कि पिछली 20 क्लासेस में उत्कर्ष के साथ जुड़े रहे होंगे और आपने सभी चैप्टर्स जो अभी तक हमने किए हैं उन्हें अच्छे से पढ़ा होगा और आप अपनी तैयारी को एक बेहतर स्थिति में भी महसूस कर पा रहे होंगे। जितने भी लोग लाइव हैं, प्रीति, रश्मि, बालकरण, तौकीर, मुन्नीराम, गणेश, सुभाष, सबको मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, सबको नमस्ते, सबको राम राम। जी हाँ, चलिए, गर्मी है थोड़ी सी बट इट्स ओके। पढ़ाई करेंगे तो ठंडी ठंडी हवा आएगी, हमें ऐसा लगेगा कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। जैसा पिक्चर में दिखाते हैं, आपने देखा होगा किसी को प्रेम होता है तो ठंडी हवाएं चलती हैं, पत्ते उड़ते हैं, लाल दुपट्टा ऐसे चेहरे पे से होके जाता है, वैसा ही कुछ आपको भी फील होगा अगर आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और जयपुर से साकेत सर आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको सारे कंसेप्ट समझ में आते हैं तो कुछ ऐसी ही फीलिंग्स आपके मन में भी आपको फील होंगी कि मौसम भी अच्छा है, आपको सब आता है और पेपर देखते ही आपको इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप पेपर आधे घंटे जल्दी ही करके बैठ जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी, भैया अपना तो सिलेक्शन अब पक्का है। तो आज के सेशन में जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में वादा किया कि हम सिंपल इंटरेस्ट आज मैं आपको करवाऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट जैसा कि नाम है वैसा ही सिंपल होता है। क्वेश्चंस लेकर आया हूं कुछ कॉन्सेप्ट्स पे, एक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट्स करेंगे। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आज हम जो पढ़ने वाले हैं। पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें कर लेते हैं 5-10 मिनट, उसके बाद हम जो है इसके क्वेश्चंस पर आएंगे। जैसा मैंने आपको बताया भाई, नाम है साधारण ब्याज, तो ये वाकई में साधारण होता है। ये वाकई में साधारण यानी कि वाकई में सिंपल क्यों होता है? तो ये सिंपल इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो साधारण ब्याज है यानी कि जो इंटरेस्ट है वो हर वर्ष जो है सेम होता है, इक्वल होता है, है ना? ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में कौन से सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज जो है वह मूलधन पर लगता है। किस पे लगता है? मूलधन पर लगता है। अब ये क्या है भैया मूलधन? प्रिंसिपल जिसे कहते हैं, क्या है? देखें, जिस राशि का इनिशियली आरंभिक रूप से लेन देन हुआ कि आपने बैंक से कुछ लोन लिया है या आपने बैंक में किसी स्कीम में पैसे जमा कराए हैं या मुझसे आपने उधार लिए हैं या मैंने आपसे उधार लिए हैं, जो इनिशियल जिस पैसे का लेन देन होता है इसे प्रिंसिपल यानी मूलधन कहते हैं। अब आपने चाहे इन्वेस्ट किया हो तो आपकी आशाएं होंगी कि आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उससे थोड़ा अधिक आपको वापस मिलेगा, मतलब जो आपने दिया वो तो आपको मिलेगा साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा, या आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा, या आपने कहीं से पैसा उधार लिया है तो आपकी हेल्प हुई है इसलिए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है उसे इंटरेस्ट कहा जाता है यानी ब्याज कहा जाता है, और ये दोनों जब चुकाए जाते हैं या हमको वापस मिलते हैं तो उसे मिश्रधन कहा जाता है यानी अमाउंट कहा जाता है, पेबल अमाउंट कहा जाता है। तो अब ये चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, ये थ्योरी तो नहीं बदलेगी, समझना ध्यान से, कि आपने पैसा उधार दिया किसी को और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिला, जो दिया था वो इतना है, जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो इतना है और कुल मिला के जो आपको मिलेगा वो अमाउंट है। बस ये इंटरेस्ट जो है ये दो तरह से लिया जा सकता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात सिंपल इंटरेस्ट के 2-3 सेशंस खत्म होने के बाद हम करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को एक बार समझे। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है भाई, जब आप मुझे कुछ पैसा उधार देंगे तो एक ब्याज की दर पे देंगे, ये दर होगी जो कि प्रतिशत में होती है, कि भैया 10% ब्याज लग रहा है, 5% ब्याज लग रहा है, 8% लग रहा है, 12% लग रहा है। सिंपल इंटरेस्ट होगा तो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होनी ही है, और कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होनी ही है। अब साथ ही साथ हम ये तय करेंगे कि हम कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए इस लोन की अवधि चलेगी या इस निवेश की अवधि चलेगी। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा मूलधन पे ही लगता जाए, कि 5,000 रुपये अगर आपने मुझे उधार दिए, कितने रुपये आपने मुझे उधार दिए, 5,000, और सपोज करें 5% की रेट पे उधार दिए, तो 5,000 का 5% 250 रुपये जो होगा वो, अगर 10 साल का भी लोन है तो हर साल 250 रुपये उसमें ब्याज मुझे मिलता जाएगा। अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए यानी कि 500 ब्याज, तो वो हर साल का
500 होगा, 3 साल तक लोगे तो 3 बार 500, 10 साल का हो तो 10 बार 500, ठीक है। तो ये हमने लिखा है भाई साधारण ब्याज हर साल सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल पे यानी मूलधन पे लगता है। अब फॉर्मूलेस तो आपको बचपन से याद होंगे, कोई नई बात नहीं है। आप सबको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो साधारण ब्याज होता है, उसका फॉर्मूला हमें बचपन से याद है कि वह होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। एक बार देखते हैं इसकी रचना कैसे हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मुझे 5,000 रुपये उधार दे दें 10% पे, तो आपको मैं हर साल 5,000 का मतलब मल्टीप्लाई 10% ब्याज दूंगा हर साल, एक साल में एक बार, 2 साल में 2 बार। ये इसको आप कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये का इंटरेस्ट आता है। अब अगर आपने मुझसे 10 साल के लिए लोन लिया है तो 10 बार देना पड़ेगा, मतलब 500 का 10 गुना ब्याज हो जाएगा। अगर 1 साल के लिए लिया है तो यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो। अगर 7 साल के लिए लिया है तो आप यहाँ 7 लिख सकते हो। अगर 8 साल के लिए लिया है तो आप यहाँ 8 लिख सकते हो। 5,000 की जगह कोई भी मूलधन, कोई भी प्रिंसिपल हो सकता है। 10% की जगह कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, कोई भी दर हो सकती है। अपॉन 100, ये उसी का परसेंटेज वाला अपॉन 100 है। और यहाँ पे समय कोई भी हो सकता है, तो ये मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 बन गया। अब क्या होगा दोस्तों, ना क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, और ऑब्वियसली होगा। जब क्वेश्चन इजी आता है, जो हम इनिशियली क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे तो आपका काम फॉर्मूले से चल जाएगा कि भाई यहीं से अगर मूलधन का फॉर्मूला निकालना हो तो ये हो जाएगा ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम दर इंटू समय। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है तो ब्याज इंटू 100 अपॉन दर अपॉन मूलधन इंटू समय। और अगर समय का फॉर्मूला है तो ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू दर। ये सब ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन डायरेक्टली अप्लाई करने वाला हो तो हम फॉर्मूला है हमारे पास में, इंटरेस्ट का भी है, प्रिंसिपल का भी है, रेट का भी है, टाइम का भी है, और मिश्र धन का फॉर्मूला हम जानते हैं, मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं इसलिए साधारण ब्याज। ठीक है, फॉर्मूला है तो हम इजीली कर सकते हैं, क्वेश्चन आसान होगा, क्वेश्चन डायरेक्ट अप्लाई करने वाला होगा, हम इसे चंद मिनट्स में, चंद सेकंड में इन्फेक्ट कर लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पर आप जब क्वेश्चंस करें, क्योंकि क्वेश्चन जब ट्विस्ट होगा, क्वेश्चन जब घूमेगा, डिफिकल्ट होगा, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करने से आपका काम नहीं चलेगा। तब आपको जो टॉपिक की आत्मा है, कैसे ब्याज लिया जा रहा है, मैंने आपको उधार दिया तो आप मुझे किस प्रकार हर साल इंटरेस्ट दे रहे हैं, बीच में 2 साल कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जो टॉपिक की आत्मा का ज्ञान है वो अगर आप ग्रहण कर लें तो क्वेश्चन कितना भी घूम जाए आपके लिए वो चंद सेकंड में सॉल्व होने लायक ही रहेगा। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून सबको। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं सबको मेरी तरफ से नमस्ते। सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ रहे हैं। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो सुनना कि भाई अगर मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूं, देखिए मैंने आपके सामने छोटी छोटी लैंग्वेज में डायरेक्टली स्टार्टिंग में फॉर्मूले अप्लाई करने वाले कुछ 5-7 क्वेश्चन लाया हूं, वो करने के बाद में हम थोड़े से लिंगुअल क्वेश्चंस पे भी आएंगे। अब यहां ठीक है, अब आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 12 इंटू 2, आप यहां कर लें 12 इंटू 2 अपॉन 100 आप कर लें, इससे आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा जो भी आ रहा हो। सुनना ध्यान से, मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको जो समझा रहा हूं वो सुनना कि अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, आपने यहां पे आपके पास मूलधन भी है, आपके पास दर भी है, आपके पास समय भी है, आप बस अप्लाई करें और आंसर दे दें। ठीक है, पर मैं आपसे कह रहा हूं आप छोटे क्वेश्चन में टॉपिक की आत्मा को समझने की कोशिश करें कि भैया 15,000 रुपये का 12% कितना होता है। अब आपको इसको मुंह जवानी करना है, 15,000 का 10% कितना होता है, 1500 होता है, 1% 150 होता है, तो 2% 300 होगा, 1500 प्लस 300 यानी 1800, इसमें 1 साल का ब्याज हो गया। अब 1 साल का ब्याज 1800 है, यानी कि हर वर्ष आपको 1800 देना है, तो 2 साल में कितना दे दोगे, 3600 दे दोगे। आप वहां से एप्स को सॉल्व भी करें, ये 15,000 था, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 150 इंटू 2, 300 इंटू 12, 300 इंटू 12, 3600 आपका आंसर तो होना ही है। पर आप इसको परसेंटेज समझें कि भैया ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, अच्छा इसका इतना परसेंट ले लो, 4 बार ले लो 5 बार ले लो, कैसे सॉल्व करना है, ये हम आने वाले क्वेश्चंस को और डिफिकल्ट करते करते देखेंगे। आज का सेशन सिंपल इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हम इसे 2-3 दिन और कंटिन्यू करेंगे, पर फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस आज की वीडियो की सबसे ज्यादा होने वाली है। ठीक है, तो जितने भी दोस्त लोग जुड़े हुए हैं आज लास्ट तक नहीं हटेंगे, ठीक है, ये वादा मैं आपसे बिना पूछे वादा आपसे मैं ले रहा हूं। ठीक है, अभी 18,000 का 15% 2 साल सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो 8,000 का भैया 15% कितना होगा, 1200, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 3600 रुपए का इंटरेस्ट हो जाएगा। आप चाहो तो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला होता है मूलधन
इनटू दर इनटू समय बटा 100, दो जीरो से दो जीरो गए, 80 इनटू दो 160 इनटू 15 आप कर लें, 160 इनटू 15 अगर आप कर लेते हैं तो 2400 हो जाएगा, सॉरी दो साल का ही है तो दो साल में 2400, एक साल का 1200 तो दो साल का कितना 2400 आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, पर आपको परसेंटेज की तरह सोचना है, फॉर्मूला अप्लाई करने के बारे में नहीं सोचना है। जैसे एक दो अभी कुछ 8 क्वेश्चंस हैं, वो मैं इस तरह एक स्क्रीन पे दो दो करके शॉर्ट में आपके लिए लाया हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने वाले। अब सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, भाई सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला अप्लाई कर लो, नहीं तो 5000 का 9% कितना होता है, ओरली करोगे तो 5000 का 10% 500, अब 10% अगर 500 है और 1% 50 है तो 10% में से 1% यानी 500 में से 50 निकाल लो तो 450 रुपये हर साल आएगा, कितना आएगा 450 रुपये हर साल। अब 450 रुपये हर साल है तो दो साल में कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, यही आपसे पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट 900। फॉर्मूला अप्लाई कर लो, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, दो शून्य से दो शून्य गए, 50 इंटू 9 450 इंटू 2 900, यही आंसर आना है। जैसे यहां पे आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया, अब आप ध्यान से सुनना, परसेंटेज आपने पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ा है, परसेंटेज में भी किसी भी इनिशियल वैल्यू को, किसी भी आरंभिक वैल्यू को 100 लेते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्रय मूल्य की वैल्यू को 100 मान लेते थे कि भैया अच्छा 20% लाभ कमाया है, लाभ 200 रुपये तो 200/20 इंटू 100 करते थे। वैसे ही आप देखें कि प्रिंसिपल मूलधन जो होता है वो 100% होता है। अब आपने हर साल 8% ब्याज लेना है, अब 8% 8 साल तक 8 × 8 64% ब्याज हो जाएगा और वो 64% ब्याज कितने के बराबर है 60-80 के बराबर है, यानी 60/80/64 इंटू 100 आप कर लें और आपको आंसर मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, हर साल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी क्वेश्चन क्योंकि ट्विस्ट होंगे ना भैया, यहां तो आपके पास मूलधन का फॉर्मूला है, ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय, आप अप्लाई करके आंसर दे दोगे बट वो आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा, इतना इजी क्वेश्चन तो आना नहीं है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं कि जो सीधे फॉर्मूला अप्लाई करने वाली चीजें हैं वो तो हम ओरली कर लें और कंसेप्ट दिमाग में, जनरल कंसेप्ट जो परसेंटेज का है कि कैसे ब्याज लिया जा रहा है, आप खुद सोचें कि आज से, या आप सोचें गांव में जैसे ब्याज बट्टे का धंधा चलता है, क्या फॉर्मूले रटे होंगे बड़े बड़े दादा लोग जो ब्याज बट्टे का काम करते, नहीं वो कंसेप्ट है उनके दिमाग में कि भैया 3 महीने से नहीं दिया 12% के हिसाब, 3 महीने में इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्यों, क्योंकि दे नो द कंसेप्ट। अब केसेस कई सारे होते हैं, कोई आधा ब्याज दे चुका है 6 महीने से आधा आधा दे रहा है तो 7वें महीने उससे कितना लेना है, ये करना है वो करना है, तो कंसेप्ट होगा तभी, क्योंकि जब ट्विस्ट करेंगे क्वेश्चन को तो सीधे फॉर्मूला अप्लाई करने जैसा आसान क्वेश्चन वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी यहां पे आप देखो, हर साल 8% लोगे तो 8 साल में 64% ब्याज होगा, 100% मूलधन है, 64% ब्याज है, ब्याज दिया है आपको 60-80, तो 60/80/64 इंटू 100 कर लो। अब आप इसको सॉल्व करें, 8 से जाएगा 8 बार, 8 से जाएगा 760, 8 से जाएगा 9500 आपका मूलधन आ गया, कितना आ गया 9500 आपका मूलधन आ गया, बिल्कुल सही सुभाष, रवि, अर्जुन, नैना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पुराने लोग दिमाग वाले इसलिए थे क्योंकि तब पढ़ाई नहीं थी, पढ़ाई नहीं थी तो क्या करें, फॉर्मूला किताबों में लिखा ही नहीं है, अब फॉर्मूला किताब में नहीं लिखा है तो कंसेप्ट समझना पड़ेगा, बाकी प्रैक्टिस है। अब आप देखें फॉर्मूला अप्लाई करते, फॉर्मूला अप्लाई करते तो ब्याज इंटू 100 सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम, अब आप देखो कि 60/80/64 इंटू 100 ही तो कर रहे हो, आखिर में तो फॉर्मूला नहीं कंसेप्ट है, कंसेप्ट से फॉर्मूले रट लिए जाते हैं, तो हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, समझ रहे हो आप मेरी बात, 9500 आपका आंसर है। जैसे यहां पे प्रिंसिपल पूछा है तो भैया हर साल 6% ब्याज लोगे, प्रिंसिपल को आप कितना प्रतिशत मानते हो 100% मानते हो, अब आप हर साल मुझसे 6% इंटरेस्ट लोगे तो 8 साल में 48% इंटरेस्ट होगा और वो 48 कितने के बराबर है 4320 के, तो ये 48 के प्रिंसिपल बताओ यानी 100 की वैल्यू बताओ, अभी ये चला जाएगा 90 बार और आपका आंसर आ जाएगा 9000 रुपये, 9000 रुपये क्या आ गया दोस्त, प्रिंसिपल आ गया। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम, अब आप इसको काट लो, आंसर देखो 6/48 ही होता है तो 4320 अपॉन 48 इंटू 100 ही चल रहा है 540, ये जाएगा 90, 90 इंटू 100 अगेन 9000 इसका आंसर होगा।
जैसे यहाँ पे है ना, थोड़ा स्पेस लेते हैं, चलो थोड़ा स्पेस लेते हैं अभी। हाँ अब आप देखो कि अगला क्वेश्चन है, रेट 6% है, टाइम 4 साल है। अब हर साल आप मुझसे 6% ब्याज लेंगे तो 4 साल में 24% लेंगे और वो 24% इंटरेस्ट हो जाएगा। अब आप ध्यान से सुनना, 100% आपने मुझसे उधार लिया, 24% आप मुझे इंटरेस्ट देंगे, तो आप मुझे टोटल कितना अमाउंट यानी मिश्रधन देंगे? तो आप कहेंगे सर आपके 100 भी दूंगा और आपको 24 ब्याज भी दूंगा, यानी कि जो अमाउंट है वो आपको मैं 124 दूंगा। तो अमाउंट कितना दिया है? 14880। तो ये 14880 जो है ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है 124 की, और आपसे प्रिंसिपल यानी 100 की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब बात समझ रहे हो मेरी बात? अब क्या है, कोई ऐसा फॉर्मूला तो बना ही नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं जिसमें अमाउंट यूज आता हो। अब आपसे अमाउंट पूछ रहे हैं, अब आप कैसे करेंगे? आप अमाउंट दिया है आपको, आप कैसे करेंगे? 14880 124 के बराबर है इनटू 100, आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। 4 से जाएगा 31 बार, 4 से जाएगा 3720 बार, 31 से जाएगा 120 बार, और आपका आंसर 12,000 यहाँ पे आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात के नहीं? जी हाँ, 9,000 और 12,000 यहाँ पे दो आंसर करेक्ट हैं। तौकीर आलम 62,000 कह रहे हैं, 62,000 क्यों होगा दोस्त? हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंस अब फिर से अमाउंट दिया है, अब देखो आप ध्यान से, प्रिंसिपल को कितना मानते हो? 100 मानते हो, 9 या 27% इंटरेस्ट हो गया, यानी जो अमाउंट है ये 127% हो गया। तो ये 6350 किसकी वैल्यू है? प्रिंसिपल कितना आ गया? 9,000 रुपीज। समझ रहे हो आप? देखो कितनी, मतलब आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। फॉर्मूला सोचोगे, फिर अप्लाई करोगे, कैलकुलेट करोगे, 3 स्टेप का टाइम हमारे पास में नहीं है। कंसेप्ट पता, अच्छा ये दिया, ये दिया, इसका मतलब ये इसके बराबर है, अपॉन इतना इंटू इतना, आंसर कंप्लीट है। समझ पा रहे हो मेरी बात के नहीं? अरे हाँ या ना? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा क्वेश्चन को लिंगुअल कर लेते हैं। लिंगुअल कैसे? पूरा आपके सामने भाषा में एक क्वेश्चन आएगा, अब क्या आप इसका आंसर दे सकते हो मैं आपसे जानना चाहता हूं। एक व्यक्ति 8% की दर से पैसा, एक व्यक्ति 8% की दर से पैसा उधार लेकर 12% की दर से आगे दे देता है, तो उसे लाभ 4 साल बाद 1920 रुपए का होता है। तो उसे 4% 4 साल बाद 1920 रुपए का लाभ होता है, मूलधन बताएं। अब आप देखें ध्यान से, मैं किसी से पैसा 8% पे ले रहा हूं और आगे अपने मित्र को 12% पे दे रहा हूं, तो मेरा दोस्त मुझको 12% ब्याज देगा और मैं आगे जिससे पैसा लाया था उसे 8% दूंगा, तो मेरा लाभ 4% पर ईयर हो जाएगा। दिस इज माय प्रॉफिट, दिस इज माय लाभ, है ना। अब एक साल में 4% लाभ होगा, तो 4 साल में मुझको 16% टोटल प्रॉफिट, टोटल लाभ मिलेगा, और मुझे 1920 रुपए का लाभ हुआ है, यानी 1920 इस 16 के बराबर है, इनटू 100 अगर मैं कर दूं तो 12,000 रुपए का यहाँ पे ओरिजिनली जिस पैसे का लेन देन हुआ था, 100 जिसे आप प्रिंसिपल बोलते हो, 100%, तो वो 12,100% की वैल्यू है यानी मूलधन है। तो मूलधन कितना आ गया दोस्त? 12,000 रुपये आ गया। जी हाँ, प्रेम कुमार, दिनेश, प्रीति, नैना, दर्शन, मुकेश, मुकेश कुमार परसवाल, स्वागत है आपका मुकेश, आई एम सॉरी मैं कभी कभी आपका नाम नहीं ले पाया हूँगा। प्रधान, संजय, आकाश, सुभाष, तौकीर, विकी, नितेश, दीपक, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 9% की दर से पैसा 6% की दर से देता है, उसे 4 साल बाद कुल हानि 3840 रुपए होती है। पिछली बार ज्यादा पे दिया था तो प्रॉफिट हुआ था, इस बार कम पे देगा तो लॉस होगा, पर बात तो वही है। मैं कहीं से 9% पे पैसा लाया और आगे 6% पे लिहाज के चक्कर में दे दिया, तो जिसको मैंने दिया वो मुझे 6% ही देगा, मुझको आगे 9% देना है, यानी 3% का लॉस मेरा हर साल होगा। कितने साल का क्वेश्चन है?
चार साल का क्वेश्चन है, एक साल में मुझको 3% का लॉस हो रहा है, तो चार साल में मुझको 12% का टोटल लॉस होगा, और वो लॉस 3840 है, 3840 अपॉन ये 12 की वैल्यू है, और आपसे पूछा है तो मूलधन बताओ यानी इनटू 100 बताओ, 12 से काटो 320 बार और आपका आंसर 32,000 रुपये, 32,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, सबके आंसर करेक्ट आ रहे हैं, मतलब रुकने की आवश्यकता नहीं है। अभी क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 3 अलग अलग बैंकों में बराबर पैसा जमा करवाया, पहले बैंक पर 6%, दूसरे बैंक से 9% और तीसरे बैंक से 15% का इंटरेस्ट मिला, चार साल बाद उसे 10,400 रुपये का कुल लाभ मिला हो, तो 3 बैंकों में कुल कितना पैसा, कुल कितना पैसा मतलब जो आप इनटू 100 करेंगे उसे ट्रिपल कर लीजिएगा। अब मान लो तीनों बैंकों में कितना कितना जमा कराया, 100-100-100। मैं मन से ऐसा नहीं मान रहा हूँ, बोल रहे हैं अलग अलग बैंकों में बराबर पैसा जमा कराया, ये बराबर नहीं होगा, जैसा मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, अगर ये बराबर नहीं होता तो आप 100-100-100 इक्वल नहीं मानते। अच्छा, अब पहले बैंक में 6%, दूसरे बैंक में 9% और तीसरे बैंक में 15% फायदा हो रहा है, तो 6 + 9 + 15 = 30% हर साल उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 30%, ये टोटल का 30 मान लेते हैं ना, ये हम ओवरऑल का 30% नहीं है, ये टोटल 30 है। अब आपको बोल रहा है चार साल में उसे इतने रुपए का कुल ब्याज मिला हो, 30 मुझे एक साल में मिल रहा है तो चार साल में मुझे 120 मिलेगा, और ये 10,400 जो है ये उस 120 की वैल्यू है, इनटू 100 करूंगा तो 100 तो एक बैंक का पैसा मिला है तो उस एक बैंक का ही मिलेगा, इनटू 3 और कर दो मतलब 3 की 100 की जगह 300 लिख दो, अभी 3 से चला जाएगा 40 बार, 0 से जाएगा 0, 4 से चला जाएगा 260 बार, 260 × 100 26,000 रुपये उसने टोटल जमा किए हैं सभी बैंक्स में मिलाकर। कितना आंसर आएगा अजय सिंह इस क्वेश्चन का आंसर दोस्त, कितना आएगा है ना, इस आंसर 26,000 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, क्या था भाई, 3 बैंकों में अलग अलग बैंकों में सेम पैसा, तो सेम पैसा 100-100-100, पहले बैंक में 6% तो 6, दूसरे बैंक में 9% तो 9, तीसरे बैंक में 15% तो 15, 6, 9, 15 यानी 30 रुपये का लाभ उसे हर साल हो रहा है, तो चार साल में उसे 30 × 120 रुपये का लाभ होगा, 120 इस 10,400 रुपये के बराबर है क्योंकि इंटरेस्ट है ये, तो 10,400, तो तीनों बैंकों से कुल कितना धन जमा करवाया, तो कुल के लिए हमें इंटू 100 नहीं इंटू 300 करना पड़ेगा, 26,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन से मुझे एक एग्जांपल याद आता है, पहले मैं उस एग्जांपल को आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति 2 बैंक में 3:2 के अनुपात में धन क्रमशः 6% व 5% की दर पे निवेश करता है या जमा करता है। पांच वर्ष बाद उसे कुल 8,400 रुपए का लाभ होता है तो पहले बैंक में जमा की गई राशि कितनी थी। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। एक व्यक्ति 2 बैंकों में 3:2 के अनुपात में धन क्रमशः 6% और 5% की दर पर निवेश करता है। पिछली बार बोला था 3 बैंक थे, सेम धन जमा करता है, इस बार 2 बैंक है पर दोनों में अलग अलग जमा करता है। एक पहले बैंक में 6% की रेट है, दूसरे बैंक में 5% की रेट है। 5 साल बाद उसे कुल 8,400 रुपये का प्रॉफिट होता है। आपको बताना है कि पहले बैंक
में कितने रुपए उसने जमा किए थे। दीपाराम ध्याल, इतने बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं है दोस्त, बस मुझे अपने करीब और अपने एक अच्छे टीचर और एक अच्छे दोस्त के रूप में आप हमेशा देखते रहें, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आकाश 18,000, ओके। देखो चलो, अब 3:2 बोला है ना भाई, तो 3:2 अपने मन से मान लो। अब 3:2 के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कि नहीं होते हैं। 3:2 में क्या होता है, 300 और 200 मान लो, पहला बैंक है बैंक ए, दूसरा बैंक है बैंक बी, आपसे बोले प्रिंसिपल यानी मूलधन जो है वो 3:2 है, तो 3:2 का 30:20 मान लो, 300-200 मान लो, आपका जो इच्छा करे रेशियो मेंटेन होना चाहिए। जैसे पिछली बार आपने 100-100 माने थे, अच्छा इस बैंक में 6% और इस बैंक में 5%, पर इस बार ये 6% किसका, ये 6% 300 का, तो 300 का 1% 3, तो 3×6=18 का लाभ हुआ। इंटरेस्ट कितना मिला, 18, 2×5=10, एक साल में 28 का लाभ हुआ, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 साल में 140 का लाभ हो जाएगा, और ये 140 असली में 8,400 के बराबर है। आपसे पूछ रहे हैं पहले बैंक में कितना कराया, तो इंटू 300 करो, दूसरे बैंक में कितना कराया, तो इंटू 200 कर देते, टोटल कितना कराया, तो 300 की जगह 500 लिख देते। समझ रहे हो बात को कि नहीं, जीरो से जाएगा जीरो, चार से जाए 14 से चला जाएगा, 60 × 60 = 18,000, तो पहले बैंक का यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट बैंक, पी ए की वैल्यू है यही आपसे पूछिए, पहले बैंक में कितनी राशि जमा कराई थी। दूसरे की पूछता तो यहाँ 300 की जगह 200 लिखते और 60×200 आपका आंसर 12,000 आता, वो सेकंड बैंक का आता। दीपाराम दयाल, सॉरी की कोई बात नहीं दोस्त, है ना, बस प्यार बनाए रखो, टीचर पे विश्वास रखो, भगवान पे विश्वास रखो, माता पिता पे विश्वास रखो और अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। बलजीत 18,000, बिल्कुल। हिमांशु सैनी, स्वागत है आपका। दीपचंद पहलवानपुर 30,000 भाई टोटल बोलता, तो टोटल देखो आपसे मैंने पूछा है ना, वो आप ध्यान से पढ़ें, पहले बैंक में जमा की गई राशि तो आपने सिर्फ 300 लिखा है, जो 30,000 आंसर दे रहे हो, अगर मैं टोटल पूछता तो 300, 200, 500 लिखते, टोटल 30,000 आ जाता, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दूं क्या ऐसा, देखो एक व्यक्ति या एक एक व्यक्ति अपने रिटायरमेंट, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति अपने रिटायरमेंट पे मिले धन का 4/7 8% पर व शेष यानी रिमेनिंग 6% पर एक बैंक में निवेश करता है, यदि उसे 3 वर्ष में दोनों 3 वर्ष में कुल 15,000 रुपये का लाभ हो, तो उसे रिटायरमेंट पर कुल कितना धन प्राप्त हुआ था, कुल कितना धन प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन क्या है सुनना, एक व्यक्ति अपने रिटायरमेंट पे मिले धन, जैसे रिटायरमेंट होता है तो मिलता है ना कुछ राशि मिलती है पीएफ वगैरह का 4/7 तो 8% पर और रिमेनिंग 6% पर एक बैंक में निवेश करता है, यदि उसे 3 वर्ष में कुल 15,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो रिटायरमेंट पर उसे कितना धन प्राप्त हुआ था। वीरेंद्र कुमार, इसी तरह दूसरों को भी, अपने आसपास अपने मित्र अपने कजिन्स को भी आप एनकरेज करें उत्कर्ष से जुड़ने के लिए, हम भी निस्वार्थ भावना से हर एक की हेल्प करने के इच्छुक हैं। कन्हैया झा 20,000, नितेश बुंडेला 70,000 आंसर दे रहे हैं, प्रेम कुमार सैनी 25,000 दे रहे हैं, राजेश बुरी 1,00,000, 70,000। देखें चले क्या है, थोड़ा सा ऐसे टेक्स्ट का साइज छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखो,
एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि मेरे पास जितना पैसा था उसका 4/7 मैंने खर्च कर दिया, इसका मतलब है कि अगर टोटल 7 था तो उसमें से 4 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3। अगर मैं आपसे कहूं कि आप में से आधे लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब अगर 2 लोग अभी लाइव देख रहे हैं तो उसमें से एक अच्छा है और एक अच्छा नहीं है, ठीक, समझ रहे हो बात को। कभी मैं आपसे कहूं कि मैंने 3/5 कोर्स करा दिया है, इसका मतलब है कि अगर 5 टॉपिक हैं तो मैंने 3 पढ़ा दिए, अगर 5×10 टॉपिक हैं तो मैंने 6 पढ़ा दिए, 5 में से 3 पढ़ा दिए तो बचे कितने हैं, 2 बचे हैं, समझ रहे हो बात को कि नहीं। अब इस कंसेप्ट को अगर आप समझते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए सेकंड्स का हाल है। 4/7 यानी 7 में से 4 तो बचा कितना, 3। ये वाला धन, ये प्रिंसिपल हमने मान लिया, ये वाला उसने 8% पे और बचा हुआ यानी 3 6% पे। अब ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, तो इंटरेस्ट मिला कितना, आपने मान लिया 400 और 300, 4000 और 3000 जो आपका दिल करे। अब 4×8=32 इंटरेस्ट यहां मिल रहा है, 3×6=18 इंटरेस्ट यहां मिल रहा है, 32 और 18 एक साल में 50 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, ये रुपए असली नहीं है, माना हुआ 50 का इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने साल का क्वेश्चन है, 3 साल का क्वेश्चन है, तो 50 × 3=15 और 50 × 150, 150 जो है वो 15,000 के बराबर है। और आपसे पूछा है कि रिटायरमेंट पर कितना धन प्राप्त हुआ, रिटायरमेंट पर कितना धन प्राप्त हुआ, सिर्फ 400 या सिर्फ 300 नहीं, गलती से लोग यहां 100 कर देंगे और उनका आंसर 1,00,000 या 10,000 आ रहा होगा, पर आप 100 नहीं करेंगे, आपने टोटल 400 और 300, तो टोटल कितना धन था, 700 था, तो इंटू 700 आप करेंगे, इंटू क्या करेंगे, 700, 0 से जाएगा 0, 15 से जाएगा 100 बार, 70,000 आपका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, 70,000 आ रहा है, एक बार फटाफट से लाइक बटन दबाओ और मुझे बताओ कि भैया हाँ समझ में आ चुका है सर, हम ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे, अब ऐसे क्वेश्चंस में हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। टेक्निकल टीम, दिव्यांशु एक बार फटाफट से मुझको लाइक्स की संख्या बढ़ती हुई दिखाएं ताकि मैं ये अंदाज़ा लगा पाऊँ कि सभी को समझ में आ गया है और कोई प्रॉब्लम इस वक्त कोई भी फेस नहीं कर रहा होगा। जी हाँ, ओके, 224 लाइक्स हैं, फटाफट से और लाइक्स हो जाएं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो बराबर लाइक्स के काउंट और व्यूज़ की काउंट समान हो जाएं तो हम समझ जाएं कि भैया सब कुछ बढ़िया चल रहा है, 70,000 आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब मैं और क्या क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए, देखो, एक व्यक्ति की उधार देने की रेट पहले 3 साल के लिए 6% है, अगले 5 साल के लिए 8% है और अगले 3 साल के लिए 10% है। एक व्यक्ति ने 10 साल के लिए पैसा उधार लिया है तो 10 साल बाद उसे कुल इतने रुपए चुकाए, तो मूलधन बताओ, क्या आप इसका आंसर दोगे, क्या मैं ओवर एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा हूं, क्या मेरी उम्मीदों पे आप खरे उतरोगे, क्या इसका आंसर आप करेक्ट दोगे और क्या आप मुझे खुशी दोगे, फटाफट से इसका आंसर दे दो भाई, है ना। हाँ, मुकेश, हनु, राजेश, सुभाष, संजय, सुरेंद्र, सबको समझ में आ चुका है, प्रकाश सैनी को भी, फटाफट से इसका आंसर दे दें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक व्यक्ति की उधार देने की रेट पहले 3 साल के लिए अलग है, अगले 4 साल के लिए, 5 साल के लिए अलग है और उसके अगले 3 साल के लिए अलग है, 10 साल बाद टोटल 10,680 रुपए चुकाए हैं, तो मूलधन बताओ, है ना। अ पर्सन टेक्स द मनी फॉर 10 ईयर्स एंड पेड ₹10,680 एज द टोटल अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स, फाइंड द प्रिंसिपल। पूनम, समझ में आपको पिछला क्वेश्चन नहीं आया, फिर समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ी देर में। अच्छा, अब देखो क्या इसका आंसर आप लोग निकाल चुके हैं, देखते हैं, चलिए। हाँ, अच्छा देखो, तौकीर का आंसर है 22,000, आकाश भारती का 16, तौकीर का 22, कन्हैया का 6, ए यादव का भी 6, बलदेव चौधरी का 70, राजकिशोर का 22। ओके, चलो देखो, एक पैसा था पता नहीं कितना, उसे हमने मान लिया 100। अब पहले 3 साल के लिए 6%, पहले 3 साल के लिए 6%,
तो कितना परसेंट हो गया? 18% इंटरेस्ट मिल गया। अगले 5 साल के लिए 8%, अगले 5 साल के लिए 8%, तो 5×8=40% इंटरेस्ट मिल गया। अब आप देखो, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बची है वो अगले 3 साल की है, पर मैंने तो पैसा 10 साल के लिए लिया है ना भाई, तो 3 और 5 8 साल हो गए। अगले 3 साल की रेट पर मेरे पास तो 2 ही साल रहा पैसा, तो मुझको तो 2 ही साल ब्याज देना है। 2 साल जो अगले 3 साल की रेट है वो 10%, ये मुझको 2 ही साल देनी है। अगर 3 साल भी होता, मतलब 1 साल और होता, तो भी 10% लगता, पर अपना तो 20% ही लगेगा 2 साल का। अच्छा आप देखो, 18 और 40 58 और 20, 78% क्या लग गया? सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 100%। अब ये जो 10,680 है, क्या ये इंटरेस्ट है? ये टोटल अमाउंट है। बोल रहा है इतने रुपए चुकाए, मतलब ये जो 10,680 है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 178 अमाउंट के बराबर होगा, यानी के ये 178 के बराबर होगा, और आपसे पूछ रहे हैं मूलधन बताओ, यानी 100 की वैल्यू बताओ। बोलते बताइए ब्याज कितना दिया, तो आप यहां इंटू 78 कर देते। अच्छा अभी ये 178 से काटना है अपने को, 58 और 20 78 होता है, ठीक है, कोई गलती नहीं है ना भाई। हाँ अभी 2 से इसको काटते हैं तो 89 आएगा, 2 से इसको काटोगे तो 5340 आएगा। 89 से अगर आप इसे काटेंगे तो इससे आपका आंसर आएगा 6060, या आपका आंसर 6,000 रुपये आ गया। कितना आ गया? 6,000 रुपये आएगा। 6,000 आंसर होना चाहिए, जिनका आंसर 22,000 या 70,000 आ रहा था, आई एम रियली शॉक्ड कि वो आंसर क्यों आ रहा था। हैं, समझ रहे हो ना भाई? 6,000 आएगा, 60,000 नहीं, 6,000 अमाउंट जो है वो दिया था आपको, तो प्रिंसिपल 6,000 आएगा। जिनका आंसर 22 और 70 आ रहा था, क्या गलती हो रही थी, समझ में आ गया होगा। और जो आंसर गलती से 60,000 लिख रहे हैं, 60 नहीं 6,000, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर से देखो भाई, पैसा 10 साल के लिए लिया है, 3 साल 5 साल 2 साल, 10 साल हो गए, 3 साल की रेट 6%, 5 साल की रेट 8%, बचे हुए 2 साल की रेट 10%। आपको दी तो 10%, बचे हुए 3 साल की है, पर अपना धन तो 10 साल में खत्म हो गया। अगर वो 11 साल भी होता तो भी 1 साल 10% और लगता, क्वेश्चन का मतलब ये था, आपको कंफ्यूज किया गया है। अच्छा ये 18 और 40 58 और 20 78 का इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल 100 था, 178 अमाउंट हो गया, और अमाउंट दिया है, मिश्र धन दिया है 10,680, तो 10,680 अपॉन 178 इंटू 100, 6,000 प्रिंसिपल आपका यहां पे आना चाहिए। ओके क्वेश्चन नंबर 13, कोई मूलधन कितने समय में 12% की दर से 4 गुना हो जाएगा? अच्छा देखो, 4 गुना हो जाएगा, मैं आपको इसके फॉर्मूले नहीं रटवाऊंगा। लोग कहते हैं भैया n-1 इंटू 100 करो, अपॉन टाइम करोगे तो रेट निकल जाएगी, या अपॉन रेट करोगे तो टाइम निकल जाएगा। मैं कह रहा हूं भैया मूर्ख थोड़ी हो जो ऐसे रटोगे। आप सोचना 4 गुना पैसा हो रहा है, मैं आपको 100 दूंगा, आप मुझे 400 दोगे, पर उस 400 में से 100 मेरा था, इंटरेस्ट कितना है? 300। 300 का इंटरेस्ट देना है, 12% दोगे तो 25 साल लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे? 25 साल। अब n-1 कैसे आया? 4 गुना बोल रहा है, तो 4-1 3, 300 अपॉन रेट 12% है, तो टाइम निकल गया। अगर 12 साल होता तो 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता। पर क्या आप ये रटोगे? क्या आप ये समझने में कोई दिक्कत होगी? क्या ये बात समझने योग्य नहीं है? क्या ये 300 कहां से आया? ये कोई रॉकेट साइंस है? क्या ये चंद्रयान की साइंस है, जिससे चंद्रयान ऊपर गया है, क्या वो 300 से गया होगा? नहीं, ये तो कॉमन सेंस है भैया। 4 गुना हो रहा है, मतलब मैं तुम्हें 100 दूंगा, तुम मुझे मेरा पैसा 400 करके देना, तो उस 400 में से तुमने मेरा तो 100 ही मुझको दिया, बचा हुआ 300 इंटरेस्ट है, तो वो 300 अगर हर साल 12 दोगे तो 25 साल लग जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, रितेश, रविंद्र, जितेश, सबके आंसर आ गए, चलिए ठीक है। तो इसके आगे मैं कल बढ़ता हूं, आज के लिए इतना ही। सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ेंगे कल, सिंपल इंटरेस्ट को थोड़ा सा और डिफिकल्ट करके कुछ अच्छे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे और मेरी टीम को लगते हैं वो मैं आप सबके सामने लाऊंगा। सुबह का प्राइज क्विज आपने दिया होगा, और भगवान करे आप में से ही कोई एक
आप में से ही सारे लकी प्राइजेस निकल जाए जो इस वक्त हमको लाइव देख रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। क्लिक ऑन दी सब्सक्राइब बटन टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस दी बेल आइकन ऑन दी यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। डाउनलोड ई उत्कर्ष ऐप from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation. With lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.